नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। विधायक गीता जैन द्वारा प्रभाग 6 के इंजीनियर शुभम पाटिल को चाटा मारा यानी थप्पड़ कांड अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मनपा ने अब तक किसी भी तरीके की कोई FIR नहीं की, जिसके विरोध में आज भाजपा की कामगार संगठना ने मनपा आयुक्त से मुलाकात करके FIR दर्ज करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने गीता जैन के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मनपा प्रशासन यानी दिलीप ढोले को ये भी कहा कि जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि को थप्पड़ मारा गया, एक तरीके से उन्हीं को खुद को ये थप्पड़ लगा है। अगर मनपा को इस तरीके का थप्पड़ लगता है तो क्या आम आदमी और विधायक में कोई अंतर है या नहीं, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। विधायक गीता जैन के इस थप्पड़ कांड पर उन्होंने उग्र रूप धारण किया है और कामगार संगठना के माध्यम से आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में सिटी न्यूज़ द्वारा पूछे गए सवाल और उनके ख्यालात क्या है इस बारे में। नेता जी, 14 तारीख को कार्रवाई होती है और 17 तारीख को अधिकारियों को बुलाया जाता है, ये इसके पीछे राज क्या है? ये इसको प्लानिंग बोलते मराठी झाला कट रचला। क्योंकि दूसरी एक बात और, क्या हमारी पुलिस की, हमने महाराष्ट्र सिक्योरिटी बोर्ड की सुरक्षा गार्ड लिया है जिसका पगार डबल से ज्यादा है, 3 शिफ्ट में दे रहे, करोड़ों रुपए पैसा दे रहा है, वो वहां पे खड़े रह के क्या भजिया तल रहा था जब हमारे अधिकारी को मारा जा रहा था? इंटरवेंशन भी नहीं किया गया, रोका भी नहीं किया गया। तो ऐसे जो सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों खर्च कर रहे हो, जब मार ही खाना है हमारे अधिकारियों को, तो फिर वैसे सिक्योरिटी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पे सैनिक सिक्योरिटी है ही ना आधे पगार में, तो वही लेके मार ही खाना है तो उसको लेके खाओ ना। कमिश्नर 2 आदमी लेके घूमते, उपायुक्त 1 लेके घूमता है, सिटी इंजीनियर 1 लेके घूमते, सब लोग लेके घूम रहे, क्या बाप का माल है क्या पैसा? आप बिंदास लेके घूम रहे हो और वो जब उनको पैसा दे तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया? और उनको अधिकार है कि वो जाके जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते, क्यों नहीं कर रहे वो? तो इसलिए उस सिक्योरिटी को भी हटाना ही चाहिए। दूसरा जो कहा कि ये प्री प्लान था, देखिए फोन करके काम को रुका नहीं, अपने आप के अंदर देखिए, वो गरीब व्यक्ति था, अब अलग विषय को चलते, वो कार्रवाई होनी नहीं, लेकिन किसी काम में अड़थला निर्माण करना मतलब हमारा सस्पेंशन करना किसी भी काम में। देखिए विनंती की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है आम आदमी के लिए, लेकिन अड़थला निर्माण करना और मारण करना, इसके अंदर तो बहुत गंभीर तरह का ये आरोप है। कि मैंने यही कहा कि फिर अगर वो हमारे विधायक है, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और ऐसा है कि वो अभी आजकल कायदे मंडल के अंदर बैठती है, तो शायद शासन का ये कायदा होगा कि ऐसे मारने में कोई गलत नहीं है। तो मैं वही तो आह्वान कर रहा हूँ कि खाली फिर किस किस को मार सकते हैं? कमिश्नर को मार सकते हैं क्या, उपायुक्त को मार सकते हैं? इस बारे में थोड़ा और वो खुलासा कर देवे, ताकि फिर आम जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोक प्रतिनिधि की जनता नहीं, अगर घर तोड़ने आए तो अपना हाथ तैयार है। मैंने यही कहा कि कमिश्नर ने इनका अगर सुपारी ली है तो उसके ऊपर उस अधिकारी का सस्पेंशन होना जरूरी है। अगर झूठी FIR की है, एप्लीकेशन दी है, तो करना जरूरी है, तो इस बारे में जांच होना जरूरी है। मैं आपको क्या बोला, देखिए आप भी इतने समझदार हो, मैं भी इतने समझदार हूँ, अगर आयुक्त महोदय ने उनकी शिकायत की तो उनकी शिकायत वो मुख्यमंत्री जी से करेंगे, और इनको रातों रात घर जाना पड़ेगा, सामान भी लपेटने का समय नहीं देंगी सरकार, इनको रातों रात जाना पड़ेगा। तो वो डर के कारण उस अधिकारी का बलिदान दे रहे। आपता भाई के केस में वैसा डर नहीं था ना? नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ, नहीं आपकी, आपको क्लियर करता हूँ, GR आप पढ़िए, GR वो जूने घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए है, ये नया अभी जो बन रहा है बारिश के अंदर उनके लिए कोई GR नहीं। चेतन मेरे पास कॉपी, आप पढ़ लीजिए, GR कोई चालू बांधकाम या करने के लिए या हो रहा है उसके लिए नहीं, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, GR स्पष्ट कहता है। दूसरी बात, वो व्यक्ति उसी घर में रह रहा है, वो व्यक्ति उसी घर में रह रहा है, उस घर को पत्ता भी नहीं हिला, वैसा का वैसा ही है, ये जो एडिशनल घर बना रहा था जो भाड़े पे देने वाला था उसके लिए। दूसरी बात, जब मैंने आपको नगर पालिका में घर दे दिया है और मान लो एग्जाम्पल आप दूसरा घर है, तो मेरा लेने का ताबा लेने का मेरा अधिकारी बनता है, मेरा मतलब कॉरपोरेशन का अधिकारी बनता है। 4 दिन हो गए, कार्रवाई का कोई पता नहीं अभी तक महानगर पालिका की ओर से, लेकिन गीता जैन ने सीधा सीधा कहा है कि आने वाले मानसून सत्र में इस संदर्भ में वो मनपा प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएगी, कैसे देखते हैं सर? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
तेरी भी चुप मेरी भी चुप। और मैंने क्या कहा कि आवाज तो झूठी भी उठाई जाती है, सच भी उठाई जाती है। मैंने जो सिंपल आपका, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार है, पत्रकार बंधु है, मैंने आपको तीन मुद्दे कहे कि क्या दो घर लेने के बाद उस व्यक्ति को अधिकार है क्या तीसरा झोपड़ा बनाने का। तीसरी बात ये कि उसके झोपड़े नहीं तोड़ेंगे, बाजू में जो नए वो बना रहा था भाड़े पे देने के लिए वो निकालेंगे, आप समझ के चलिए। और चौथा ये कि उसने अपने लिए हुए भाड़े चौथे को मकान भाड़े पे दिए, तो इसके ऊपर पहले तो FIR होनी चाहिए। क्या ये सारी बातें सदन के अंदर रखी जाएगी क्या? क्या ऐसे दो घर हमने दिए थे, एक ने झोपड़ा बनाया फिर हम तोड़ने गए तो वैसा हुआ तो मैंने अधिकारी को मारा। ये घर कब मिले 2016 में? मेयर कौन था? मतलब उनका ऐसा बोलना, भाई तेरे को दो घर दिए तू भाड़े पे ले और दो तीन इधर बना, एक मेरे को देना, एक ऐसा बोलना है कि आपका इमोशन तो इसीलिए जागा ना। इमोशन नहीं बोलते इसको, लालच बोलते। अरे उनका इमोशन जागा, उनका दुख हुआ। मुझे आप बताइए, आपका मैं किसी कारण घर तोड़ रहा हूँ, मैं आपको दो घर दे रहा हूँ, भाई एक की जगह दो घर ले लो आप रहो, और बाद में जब वापस आप आ रहे हो और दो बनाने के, तो मैं इमोशन के नाते बोलूंगा या लालच के? भाई बना बना तू। ये ऐसा है, कक्कड़ बिल्डर घर बनाए या नरेंद्र मेहता बनाए या आप में से कोई बनाए, इल्लीगल है। कोई कक्कड़ बिल्डर बना रहा है उसको दे रहा है इसलिए वो लीगल नहीं हुआ। महापालिका इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही कि कौन बना रहा है, कौन से धर्म का व्यक्ति बना रहा है, इल्लीगल है इसलिए महापालिका कार्रवाई करने गई है। मैं गरीब व्यक्ति के साथ में हूँ, उनके सम्मान में हूँ, लेकिन ये कौन सा न्याय है कि दो पक्के मकान भी लो और फिर जाके झोपड़ा बनाओ और फिर और बाजू में दो बनाओ, ये कौन सा न्याय है? ये न्याय नहीं हो सकता है। तो फिर मेरी बात सुनिए ना, तो फिर महानगर पालिका कार्रवाई करते तो बिल्डर को पूछना चाहिए ना, फिर महानगर पालिका को दोष क्यों देते हो आप? फिर महापालिका को दोष क्यों देते हो? फिर बिल्डर के पास जाए ना, मेरे घर महापालिका तोड़ के गया, आपने दिया था तो मुझे मकान दो। बिल्डर ने जब इतनी बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर ही मकान दे देता, बिल्डर तो कुछ भी बोलेगा। और दूसरी बात, बिल्डर ने जहां तक मुझे पता है बिल्डर ने भी लिखित रूप से शिकायत की कि हमारी जगह पे इलीगल बांधकाम हुआ है। एज ए विधायक हम उनका सम्मान करते, हमारे पार्टी को समर्थन है उसका भी सम्मान करते। बात यह चल रही है कि हमारे यूनियन के एक व्यक्ति को मारा गया है, कमिश्नर घर में बैठ के सो सकता है उनके अधिकारी को, लेकिन अगर हमारे यूनियन के सदस्य को मारा गया है तो क्या मैं भी घर जाके सो जाऊँ क्या? क्या उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए नहीं लड़ूँ क्या? ये मेरा सवाल है ना, मैं कोई उनके खिलाफ में नहीं आया, मैं हमारे अधिकारी को न्याय और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि भविष्य में फिर कमिश्नर पे भी हाथ छोड़ते कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा है महाराष्ट्र में कई सारी घटनाएं, लोगों ने शाही फेंकी, कालक पकची, कॉलर पकड़ा, ऐसे कई हादसे हुए। तो ये हादसे जिस दिन मीरा भाईंदर में होगा तो केवल उनके लिए नहीं, हम तमाम आप और मैं, हम सबके लिए शर्मनाक हादसा होगा, मैं उसे रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर FIR होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है कौन कौन था, कौन नहीं था, कौन नहीं था। मैंने जितना वीडियो देखा एग्जाम्पल उसकी बात, और मारा वो किस रूप से मारा, क्यों मारा, प्लानिंग से मारा, गलती से हुआ, गुस्से में हुआ, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा, लेकिन गुना गुना है। कि मेरा थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ क्या? ये नए कायदे में इम्प्लीमेंट है क्या? तोड़फोड़ हो तो हम मार सकते, और मार सकते तो किस लेवल के अधिकारी तक मार सकते जिसमें FIR नहीं होगी? यही मैं आपके माध्यम से आज सवाल रख रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, XMLA नरेंद्र मेहता ने MLA गीता जैन के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो मांग मनपा से नरेंद्र मेहता ने की है वो पूरी होती है या नहीं, या फिर ठंडे बस्ते में उसे डालकर साइड किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदारा, शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।